भरोसा है, जिस पर भी आपका विश्वास है उसको आप वोट देते हैं, आप इस आशा से वोट देते हैं कि वो आपका सुधार हो जाएगा। कुछ सुधार होता है, कुछ सुधार नहीं होता है, लेकिन मोटे तौर पर पिछले 50 साल में जितने भी अलग अलग दल और नेता बिहार में रहे, सब ने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है, अगर उन सारे बातों को आप सही भी मान लीजिए, इसमें अपनी ऊर्जा व्यर्थ जाया मत कीजिए कि किसने काम किया किसने नहीं किया। मान लीजिए कि सबने काम किया, 40 वर्ष तक यहां कांग्रेस का राज था, तो मान लीजिए कि कांग्रेस ने 40 साल में बिहार में विकास का काम किया, 15 वर्ष उसके बाद लालू जी का शासन था, इसको भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में यहां पर गरीबों को आवाज मिल गई, यही ना दावा कर रहे हैं कि हमने आवाज दिया, आवाज दिया। मान लीजिए कि 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार का विकास कर दिया, उनका भी यही दावा है। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लीजिएगा, तो भी जो आज की सच्चाई है, आपके जीवन की सच्चाई है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप व्यर्थ में क्यों अपना समय जाया कर रहे हैं ये बताने समझने में कि लालू खराब कि मोदी खराब, नीतीश खराब कि कांग्रेस खराब, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इस पूरे अभियान में उल्टी बात बता रहे हैं, जिस नेता ने भी जो काम किया या करने का दावा कर रहा है उसको सही मानिए, उसको धन्यवाद कहिए, लेकिन साथ में इस बात को भी समझिए, इससे तो आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। क्योंकि जब तक आप ये समझिएगा नहीं कि आपकी ये गरीबी और बदहाली है क्यों, जब तक रोग के कारण का पता नहीं चलेगा तब तक आप रोग का इलाज नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि नेता काम नहीं कर रहा इसलिए आपका जीवन खराब है, सरकार की योजना ठीक नहीं है इसलिए आपका जीवन खराब है, ये दोनों बात में दम नहीं। नेता गलत कर रहा है इसलिए आपका जीवन नहीं खराब है, यहां लोगों की जिंदगी इतनी परेशानी इसलिए, दूसरे दल राज्यों में भी तो नेता चोरी कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी तो यही व्यवस्था है, वहां पर तरक्की कैसे हो गई। बिहार में लोगों की परेशानी के मूल में तीन बात, जितने दुनिया भर में विद्वान हैं उन्होंने बताया है कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए तीन ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई, अगर आपके बाल बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनको नौकरी मिले चाहे नहीं, पढ़ लिख कर लोग अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है लेकिन पैसा हो तो दुकान दौरी रोजी रोजगार व्यापार करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में अगर आप ध्यान से देखिएगा, पूरा बिहार को आप, बिहार की समझ आपको हो चाहे नहीं, अपने गांव का स्थिति देखिएगा, जितने लोग यहां रहते हैं ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में एको चीज नहीं है। यहां जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं, आपका बच्चा जब पढ़ने जाता है तो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खा के घरे चला आया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट में स्कूल में पढ़ा रहा है, आप समझ रहे हैं कि हमारा लड़का प्राइवेट में पढ़ के होशियार आगे बढ़ जाएगा, वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना है, और पढ़ाई तो कॉलेज में भी नहीं हो रहा है। तो बिहार में ज्यादातर परिवार के बच्चे, उनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है। तो अगर आपके हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं मजदूर ही बनेंगे। आप ये कहिएगा कि भैया पढ़ लिख के भी तो क्या ही होना है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ाई छोड़िए जमीन कर से लोग काहे नहीं, खेती करने वाले लोग बिहार में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वो इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं
कि बिहार में आजादी के बाद से भूमि सुधार के लिए कोई प्रयास कोई काम नहीं किया गया है। इसकी वजह से 100 में 7 आदमी बिहार में, आपके गांव में भी जो 100 आदमी अगर रहता है उसमें 7 आदमी ऐसा है जिसके पास 1 इंच जमीन है ही नहीं, और जो 40 आदमी के पास जमीन है उसमें भी 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन है, बहुत छोटे किसान हैं यहाँ। तो जो आप यहाँ खेती करते हैं वो कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है। आप अपने खेती से खेत में उतना ही उपजा पाते हैं कि आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, उससे कमाने का आमदनी का कोई जरिया नहीं है। बिहार में 100 में 4 से 5 आदमी ही ऐसा है जो खेती करके आमदनी कर रहा है, बाकी आदमी खेती करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहा है या फिर खेत में मजदूर है। तो मैंने आपको बताया पढ़ाई का साधन है नहीं और खेती करके आमदनी का जरिया है नहीं, तो तीसरा रास्ता बचा पैसा, पूंजी। अगर पढ़ाई भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, आपके पास पैसा होता कुछ नहीं करते, आप 4 गो भैंसे गाय पाल के दूध का व्यापार कर लेते, अपने गांव में दुकान खोल लेते, कोई खाद का व्यापार कर लेता, कोई परचून किराना का दुकान खोल लेता, कोई मुर्गी फार्म खोल लेता, कोई 2 गो गाड़ी खरीद के चलवा देता। वो क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि बिहार में रहने वाले जो लोग हैं उसमें 100 में 80 आदमी, इसको याद रखिएगा, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया से कम कमाता है, 100 रुपया भी आमदनी आपकी नहीं। इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं दिन में, तो आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ने की सुविधा है नहीं, पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं, पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जो सरकार की योजना लानी है सरकार ले आए। आप लिख रहे हैं कि नाली गली नहीं, राशन कार्ड नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? आपको 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज मिलने लगे, उससे आपका जीवन थोड़े ना सुधर जाएगा। हर महीने आपको जाकर लाइन लगा के राशन मांगना पड़ेगा। आपने लिखा है नाली गली खराब है, पानी की समस्या है, ये ठीक बात है, लेकिन पानी की समस्या से आपका जीवन तो नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके खेती से आपको आमदनी होना नहीं शुरू होगा, और जब तक यहाँ घर घर लोगों को रोजगार के लिए पैसा साधन मुहैया नहीं कराया जाएगा, तब तक यहाँ जीवन सुधर नहीं सकता है। अगर आपके पास पैसा होता, नाली गली खराबो है तबो काम चल जाएगा, अस्पताल नहीं है तब भी जाके प्राइवेट में इलाज करा लीजिएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के अफसर हो गया है तो अनाज मिले चाहे नहीं तब भी काम चल जाएगा। तो मूल में बात को समझिए, बिहार में स्थिति तब सुधरेगी जब यहाँ 3 बात हो, सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था बनाई जाए, खेती को आमदनी वाला बनाया जाए, और घर घर बच्चों को, महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए सुलभ कराया जाए, कर्जा दिया जाए कि भैया पैसा लीजिए, ये रोजी रोजगार शुरू कीजिए। आप ये कहिएगा कि अगर प्रशांत किशोर आपको ये बात समझ में आ रहा है तो सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही? मूल में तो बात यही है, काम होना चाहिए, बात तो सबको समझ में आ रहा है, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप ये कहिएगा कि सरकार इसलिए नहीं कर रही कि नेता हमको ठग रहा है। हम आपको अभी बता रहे हैं कि नेता आपको नहीं ठग रहा है, अभी आपको 5 मिनट में समझाएंगे कि सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है। अभी जितने लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं, ध्यान से आपने हमारी बात अभी सुनी, आपसे अभी एक सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना। आप में से सब लोग इस बात पर तो सहमत होंगे कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाना है भैया, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी आपने सबने हाथ उठाकर कहा
कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आपकी अपनी समझ है, हमने नहीं, हमने तो सवाल किया, आपने जवाब दिया। अब सब लोग अपने अपने बच्चों के नाम पर अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि आपने अपने जिंदगी में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया है? जो किया है तो हाथ उठाइए। देखिए अभी क्या दशा है, हम 2500 गांव में पैदल चल के गए, हर जगह ये सवाल पूछते हैं। आपके हमारे दुर्दशा का यही कारण है, आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है। आपने स्वयं से अभी बताया कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब आपको जिनको लग रहा है कि भैया हम वोट तो ठीक देते हैं, चलिए पढ़ाई के लिए नहीं दिया है, जिस रोजगार के लिए दिया है, नेता काम नहीं कर रहा, तो वो भ्रम भी आपका दूर कर देते हैं। नेता आपको नहीं ठग रहा है, नेता अगर आपको ठगता, एक बार नेता जी ठगते दूसरी बार आप जाग जाते, दो बार कोई ठगता तीसरी बार आप जग जाते। लेकिन अगर आप 50 वर्ष से इसी दुर्दशा में पड़े हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी हमारी समझ में गलती है। समझ में गलती ये है कि आपको लोकतंत्र में अपनी वोट के ताकत का एहसास ही नहीं है। लोकतंत्र में ये ताकत है कि जिस चीज के लिए भी आप वोट दीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिए, जिस चीज के लिए भी आप वोट दीजिएगा, वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, आप लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, जिस चीज के लिए आप वोट देंगे वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल जाएगा। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आप ही का उदाहरण देके बता देते हैं। पूरे बिहार में हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में नेता अच्छा हो या खराब, चोरी कितनी भी हो, भ्रष्टाचार कितना भी हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है घर घर बिजली आने के नाम पर नीतीश कुमार को, तो बिजली का बिल 2000 आए कि 8000, घर घर बिजली आ गया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में सड़क नाली गली स्कूल फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने वोट दिया है जाति के नाम पर, तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, हर घर में जात का चर्चा और गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया हो या चमक रहा हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा और खुला हुआ सीना रोज आप टीवी पर अखबार में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री लग रही है और आपके घर के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस चीज पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है, हमको आप समझा दीजिए। आपने वोट नहीं दिया अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, आपने अपने आपने वोट नहीं दिया अपने बच्चों के रोजगार के लिए, आपने वोट नहीं दिया अपने फसल के दाम के लिए, इसीलिए वो नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि नेता नहीं दे रहा है, हम तो आपको अलग अलग उदाहरण देके बता दिए। नीतीश वही है, लेकिन नीतीश को आपने बिजली पर वोट दिया है तो बिजली आई है, फसल के दाम पर अगर आप वोट दीजिएगा तो फसल का दाम उनको देना पड़ेगा, जिस दिन शिक्षा पर आप वोट कीजिएगा तो चाहे नीतीश को दीजिए कि लालू को, प्रशांत किशोर को दीजिए कि मोदी को दीजिए, अपने आप को काम होगा। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। आपसे हम किसी से वोट नहीं मांग रहे, अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो ये लिख कर रखिए, दुनिया में कोई भी नेता, कोई भी दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है,
जब आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, उम्र नहीं रहा, आपको उससे फर्क नहीं है। आपका खेत में आप जो उपजाते हैं उसका फसल का दाम नहीं मिल रहा, आपको उसका चिंता नहीं है। आप 2000 का धान 1200 में बेच रहे हैं लेकिन मगन है, तो नेता आपका चिंता क्यों करेगा? समझ में आए तो हम आपसे हाथ जोड़कर इतना ही कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। नेता को वोट मत दीजिए, नेता को देखकर वोट मत दीजिए। लोग देश के नाम पर वोट मांगता है, जाति और समाज के नाम पर वोट मांगता है, नेता अपने चेहरा पर वोट मांगता है। हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, देश के नाम पर वोट देने से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। वोट देते समय अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिए। दीजिएगा तभी सुधरेगा, और नहीं दीजिएगा तो कोई आंदोलन कर ले, कोई पार्टी चली आए, कोई नेता बैठ जाए, लिख कर रखिए ये सुधरने वाला नहीं है। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत होशियार आदमी है भैया, आप बिहार को सुधार सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए हम सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। हम 2500 गांव में पैदल चल के गए हैं पिछला 220 दिन में। लोग जाने पर कहता है कि मुखिया जी बहुत चोरी कर रहे हैं। मेरे भाई, 500 रुपया लेके मुखिया में का वोट दिए आप, तो आपका मुखिया जीतने के बाद हरिश्चंद्र तो हो नहीं सकता है। 500 रुपया में आप अपना ईमान बेचे हैं, तो मुखिया 20,000 में अपना ईमान बेच रहा है, वो चोरों का सरदार है, तो काहे बाप बाप कर रहे हैं? वोट दीजिएगा मुर्गा भात खा के, वोट दीजिएगा पाउच पी के, वोट दीजिएगा 500 रुपया लेके, तो कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। जितने लोग हैं जो सबसे पहले जाकर गलती कर रहा है, जो सबसे पहले जात के नाम पर वोट कर रहा है, जो सबसे पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहा है, वही आकर हल्ला कर रहा है, भैया शिक्षा पर वोट होके के चाहिए, भैया रोजगार होके के चाहिए, भैया फैक्ट्री लागे के चाहिए। अरे भाई, फैक्ट्री कब ना लगेगा जब आप फैक्ट्री के लिए वोट कीजिएगा? ये बात इतनी समझने की है। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, हम वोट आपसे नहीं मांग रहे, यही समझाने चले कि भैया जगिए, आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, कम से कम अपने बच्चों की चिंता कीजिए। नहीं कीजिएगा, जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज और नेता के चेहरा पर वोट देते रहिएगा, तो लिख के रखिए जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीत रहा है, आने वाले समय में आपके बच्चों की जिंदगी भी इसी बदहाली में बीतेगी। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। जब हम लोग सुधारने के लिए तैयारे नहीं, आपका बच्चा आधा पेट खाकर सो रहा है, आपका 20 साल 25 साल का जवान लड़का फैक्ट्री में जाकर 14,000-15,000 रुपया के लिए मजदूरी कर रहा है, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं है। आप तो जाति में मगन है, धर्म में मगन है, आप मंदिर देखकर खुश हो रहे हैं, मोदी जी का अमेरिका में स्वागत हो रहा है, इस नाम पर वोट दे रहे हैं, तो आपके बच्चों का भला कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। यहाँ आप में से कई लोगों ने मोदी जी को वोट दिया होगा, हमने भी 2014 में मोदी जी का काम किया है, मोदी जी का अभियान हम ही चला रहे थे। 2012-13 में लोग गांव देहात में मोदी का नाम नहीं जानता था, राम मंदिर बना। अरे भाई, जरूरी है, राम मंदिर बनना बन गया, अब आपके बच्चों का जीवन सुधारना भी जरूरी है कि नहीं? राम मंदिर बनने, सुनिए, राम मंदिर बनना जरूरी था, वोट दिया आपने, बन गया। अब मेरे भाई आगे बढ़िए, अब अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए वोट दीजिए। अब राम मंदिर छोड़ के फिर अब कृष्ण मंदिर पर पड़ जाइएगा, फिर शंकर जी के मंदिर पर पड़ जाइएगा, तो मंदिरें बनाते बनाते जीवन बीत जाएगा। मंदिर बनना जरूरी है, आपने वोट दे दिया। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि अगर मंदिर के लिए आपने वोट दिया तो मंदिर बना है,
स्कूल के लिए भी वोट दीजिएगा तो स्कूल बनेगा, वोट चाहे जिसको दीजिए। आप इस जब तक इस मूल बात को नहीं समझिएगा, इसको वोट आप इस पर माथा फोड़ रहे हैं कि वोट किसको दें, हम आपको समझा रहे हैं कि वोट किस लिए, वोट अपने बच्चे के लिए दीजिए। लालू जी को मन है तो लालू को दीजिए, मोदी को मन है तो मोदी को दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चे के लिए दीजिए। वोट मोदी के लिए मत दीजिए, लालू के लिए मत दीजिए। लालू जी का लड़का दसवां नहीं पास है, लालू जी अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ना, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। हर बाप चाहता है कि हमारा लड़का आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है तो आपको भी तो अपने बच्चे की चिंता होनी चाहिए। कि लालू जी का लड़का दसवां नहीं पास है तो मुख्यमंत्री बनेगा, और आपका लड़का एमए करके चपरासी बनेगा और आपको अच्छा लग रहा है तो रहिए उसमें, तो फिर काहे बाप बाप कर रहे हैं, तो क्यों चिंता कर रहे हैं भाई, तो काहे चिंता कर रहे हैं। राघोपुर बिंदुपुर अब भी पूरा देश में काम किए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं है जितना यहाँ गरीबी और बदहाली है। कम से कम अपने क्षेत्र में जो आदमी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में कुछ तो काम करा दिया है। यहाँ राघोपुर बिंदुपुर में जो हालत है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं, इतनी गरीबी है फिर भी आप आंख बंद करके उसी आदमी को उसी नेता को उसी दल को वोट दिए जा रहे हैं। और अगर वोट दे रहे हैं हमको उससे कोई मलाल नहीं है, हम इतना ही कहेंगे कि कितनों ही लिखते रहिएगा कि सुधरेगा नहीं। लोकतंत्र में आपके पास एक ही हथियार है, वोट का हथियार। वोट आप दे दीजिएगा उसके बाद बैठ के पांच वर्ष कौवाली गाते रहिएगा, उसका क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम रोड पर चल रहे हैं तो लोग ये सारी शिकायत करता है, और फिर आप पूछते हैं अच्छा ये बताइए आपके विधायक की कितना बार से जीत रहे हैं, तो कहता है भैया तीन बार से। तो मेरे भाई सब आपका गलत भी है, और विधायक जी तीन बार से जीतियों रहे, दोनों बात कैसे हो रहा है। कुछ आदमी यहाँ ये कहता है कि हमारे पास विकल्प नहीं, देखिए कितना झूठ बोलने का लोगों को आदत है। रघुवंश बाबू हमारे पार्टी के लीडर नहीं थे, यही वैशाली से सांसद थे, उसको वैशाली। अब हम चल रहे हैं पैदल तो हर गांव में लोग कह रहा है कि रघुवंश बाबू थे तो सब रोड बना था बढ़िया। तो हम पूछते हैं कि उसी रघुवंश बाबू को आपने दो बार हराया, और ऐसे आदमी के लिए हराया जिसका कोई पहचान नहीं, और फिर आप कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। जो काम करेगा उसको आप हराइएगा और उसके बाद रोना रोइएगा कि काम नहीं हो रहा है। तो आप अगर गलती कीजिएगा तो आप नहीं भोगिएगा तो दूसरा कोई भोगेगा। आप कोई आदमी खड़ा होकर बोलेगा तो रमा सिंह और रघुवंश बाबू में कौन बेहतर विकल्प है, लेकिन वैशाली की जनता ने हम ये नहीं कह रहे कि रघुवंश बाबू बहुत अच्छे हैं कि खराब है, लेकिन उन दोनों में रघुवंश बाबू किसी दिन अच्छे थे, लेकिन आपने उनको हराया, एक बार नहीं अगली बार फिर हराया। तो जब आपको काम करने वाले की जरूरत ही नहीं है तो आपका काम होगा कैसे। तो झूठ मूठ का गाना गाने का आदत है बिहार में लोगों को, क्या करे भैया विकल्पे नहीं है, क्या करे भैया विकल्पे नहीं है। कोई विकल्प के तौर पर सही आदमी आ जाए तो सबसे पहले आदमी उसको हराता है, कह रहे छोड़ा इक्का से ना हुई, आपको चाहिए दारू, आपको चाहिए मुर्गा, आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए जाति, आपको चाहिए हिंदू मुसलमान, तो सुधरेगा कैसे। अगर सुधारना है तो बिहार के लोगों को आपको हमको सबको जगना पड़ेगा, सबको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। नेता का लड़के के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे लालू जी का लड़का हो कि नीतीश जी का लड़का हो या मेरा लड़का हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल यहाँ रहे चाहे नहीं, नौकरी रहे चाहे नहीं, हमारा लड़का खाए बगैर नहीं मरेगा। लेकिन जो इसकी जिनके लड़कों की समस्या है आपको कोई चिंता ही नहीं, आपके लड़के ट्रेन में बस में भेड़ बकरी की तरह भर के जा रहा है मजदूरी करने, और आप जाति और धर्म में इतना फंसे हुए हैं कि आपके अपने बच्चों की तकलीफ भी आपको नहीं दिख रही है। हमको आप कह रहे हैं कि भैया आप आगे बढ़िए, आपके पीछे चलेंगे, आपकी मदद करेंगे। हम बिहार के आदमी को पहले ही प्रणाम करते हैं, जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं आप हमारे साथ खड़ा होइएगा, जिंदगी में नहीं खड़े होइएगा। हम इतना बेवकूफ नहीं है, इस समाज में लोग जाति और धर्म का नशा आपके अंदर इतना है कि आप तो अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हैं,
आप प्रशांत किशोर के लिए जातीय धर्म छोड़िएगा, कभी नहीं छोड़िएगा, यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार जीवन में दलों के दलदल से बाहर निकलिए, दल नेता विचारधारा सबको छोड़िए, एक बार अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए, अपने बीच से सही आदमी को चुनकर निकालिए। और जन सुराज जो अभियान है, ये दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, समाज के बीच से सही लोगों को चुनकर निकालने की बात है। गरीब हो अमीर हो, जिसको भी समाज चुनकर अपने बीच से निकालेगा वही जनता का उम्मीदवार है, उसी के पीछे जन सुराज की पूरी ताकत शक्ति पैसा बुद्धि सब लगाया जाएगा और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाया जाएगा। यही प्रयास है, इसका नाम क्या है, जन सुराज। सुराज मत पार्टी नहीं है, धीरज रखिए, काहे इतना व्याकुल है। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने तो सबका राज बनाकर देखा, आपने मोदी का राज बनाया, कांग्रेस का बनाया, लालू नीतीश का बनाया, अब अगर आप प्रशांत किशोर का राज बनाइएगा तो फिर आपके साथ धोखा होगा, हम भी आपके साथ धोखा करेंगे। इसलिए आप जनता का अपना राज बनाइए, ये अभियान हमारा राज बनाने का नहीं है। समाज हमको अपना पार्टी बना के चुनाव लड़ना होता तो उसके लिए गांव गांव जाने का जरूरत क्या है, तो पटना में बैठ के पार्टी बनेगा चुनाव जीत जाएंगे। 10 वर्ष में हमको कोई जो थोड़ा बहुत भी जानता है उसको तो ये मालूम है कि हमको और कुछ आए चाहे नहीं चुनाव लड़ाने आता है। 10 वर्ष में जितने नेता को आप जानते हैं, दल को जानते हैं, सबका चुनाव तो हम लड़ाए। तो हम गांव गांव क्यों घूम रहे हैं? गांव गांव इसलिए घूम रहे हैं कि ऐसे लोगों को चुनकर निकालें जिनमें क्षमता है, जज्बा है, जो बिहार को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके जाति के ज्यादा लोग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो व्यवस्था संसाधन रणनीति का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, आप अपने बच्चे के लिए खड़ा होइए, एक नई व्यवस्था बनाइए। बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग MLA भी बना है, चाहे जिस दल से बना हो, भाजपा से बना, कांग्रेस से बना, लालू नीतीश जिस पार्टी से बना, आपको पता चलेगा अगर सबका नाम लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही आज राज कर रहे हैं बिहार में पिछला 30 साल से। नेता चाहे किस दल का हो, राज कर रहा है 1250 परिवार का आदमी। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अभी भाजपा के नए नए अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी जी, इनके बाबूजी पहले लालू जी के पार्टी में मंत्री थे, फिर नीतीश जी का दौर आया तो नीतीश जी में मंत्री बन गए, फिर मांझी जी का दौर आया तो उसमें मंत्री बन गए, अब भाजपा में भी उन्हीं का लड़का रहेगा। आप कोई विधानसभा उठाकर देख लीजिए, वही 2-3 परिवार है जो घूम फिर के रहता है। उस व्यवस्था को तोड़ने निकले, निचले स्तर से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है तो उसको उठाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी को लड़ाएंगे और उसी को जिताने का प्रयास है। ये पार्टी बनाकर टिकट बांटने का अभियान नहीं है। आपको समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जिस दल जिस विचारधारा जिस नेता के साथ है उसके साथ रहिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन इतना बात आप समझ जाइए कि अगर आप बंधुआ मजदूर बन के, जाति और धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर बन के किसी दल और किसी नेता को आंख बंद करके वोट देते रहिएगा, 5 किलो अनाज और नाली गली पर वोट देते रहिएगा, तो जीवन में आपके बच्चों की स्थिति नहीं सुधरेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे, नेता जिम्मेवार नहीं होगा। यही बताने के लिए चले हैं, समझ में आए तो बहुत अच्छा, न समझ में आए तो उससे भी अच्छा। हम जगते हुए आदमी को जो जगना नहीं चाहता है अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, लेकिन हाँ अगर आप में जज्बा है, आप बिहार को अपने बच्चों के लिए सुधारना चाहते हैं तो जरूर आपका स्वागत है। आप आइए, आप इसमें जुड़िए, अपनी ताकत लगाइए, सब लोग मिलेगा तभी बिहार सुधर सकता है। अगर बिहार को सुधारना है तो बिहार के लोग ही बिहार सुधार सकते हैं, तमिलनाडु से आदमी आएगा नहीं बिहार सुधारने के लिए, हमको आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप यहाँ आए, मेरी बात मुझे रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। चाय वो पीजिए, जिसको फोटो खिंचाना होगा तो खिंचा लीजिए, जिसको जुड़ना है जुड़िए,
और नहीं भी जुड़ना है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ आए हैं इसके लिए।